ज्यादा लग रही है क्योंकि विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट कई लोग जो हैं वो दे वांट टू असर्ट देमसेल्फ्स. पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अगर आपके ऊपर नया बॉस आता है तो यू ट्राई टू असर्ट योरसेल्फ. सो इन ऑर्डर टू असर्ट कई बार ऐसी गलती हो जाती है, एक थिन लाइन है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते करते देश के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कब हम वो करने लगते हैं. और जब भारत की बर्बादी, भारत तेरे टुकड़े हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ऐसे नारे लगते हैं तो इसका मतलब कहीं पे स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इस फिल्म में मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया. ये फिल्म एक उस इंडिया की बात करती है जो आइडियाज को, इनोवेशन को, एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करती है. ये उस इंडिया के रेवोल्यूशन की बात करती है जहां पे पैसा जो है विदाउट मिडिलमैन डायरेक्टली लोगों के पास पहुंचे. ये किसी की बुराई नहीं करती है, लेकिन एक अलग रेवोल्यूशन की बात करती है. इसलिए ये फिल्म स्टूडेंट्स आर लविंग इट सो मच. बच्चों को पीछे छोड़ के जाके शूटिंग करो, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं था चैलेंजिंग कैरेक्टर. इसलिए आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड आई वाज प्रोड्यूसिंग फॉर टेलीविजन, आई वाज नॉट एक्टिंग. बट इस दौरान मैंने टेलीविजन के लिए प्रोड्यूस किया एंड आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मराठी शोज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंकरिंग, रियलिटी शोज ऑल्सो. बट यस, बड़े पर्दे पर मैं आई थिंक आफ्टर अ गैप ऑफ 11-12 ईयर्स आई थिंक आई एम डूइंग अ फिल्म. गिव यू वंडरफुल कैरेक्टर. और अगर कोई एक्टर को इतना अच्छा कैरेक्टर कभी मिले, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और कोई बोलता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप ये करो और ऑडिशन भी नहीं लेते, तो फिर भगवान का नाम लेके करते रहते. देखिए, जैसा मैंने आपसे शुरू में बोला, अगर एक एक्टर किसी कैरेक्टर को जिंदा कर देता है उससे बड़ा योगदान कुछ नहीं होता. इंदल राजा जी, इनका इनके 2-3 सीन है फिल्म के अंदर, पर आपने देखा लास्ट में यही थे, वही है वो जो गाली दे पक रहे थे वहां पे. पर 3 सीन को इनने इतना जिंदा कर दिया. गोपाल सिंह जी ने जो एक टेरर है नेक्सलिज्म का, वो 2-4 सीन में ऐसा क्रिएट कर दिया. आई थिंक एक्टर का यही सबसे बड़ा योगदान हो सकता है, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है. खेर साहब जब शूट करने आए थे, मुझे याद है पहले दिन उन्होंने सीन शूट किया, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझसे बोला कि हम इस सीन को क्या फिर से शूट कर सकते हैं. मैंने कहा सर पैसे ऐसे तो है नहीं हमारे पास, दोबारा करेंगे तो लॉस हो जाएगा. इसे प्लीज मेरे लिए कर लो, बिकॉज जब मैं आया था मुझे लगा कि फिल्म इस तरह करनी चाहिए, पर जब मैंने तुम लोगों की एनर्जी देखी यहाँ पे कि तुम लोग किस तरह की रियल फिल्म बना रहे हो, तो आई थिंक आई नीड टू एक्ट डिफरेंटली. एंड आफ्टर दैट ही लिव्ड हिज कैरेक्टर.